अरे तुम खुद ही फूंक दे यार। मम्मी यार थूक देती यार आज सुबह की शुरुआत हो चुकी है और आज है आपकी 19 तारीख। 19 तारीख के दिन होने वाला कुछ खास, सबसे पहले देखते हैं सुबह की शुरुआत हुई कैसे। चलिए रोजाना फैमिली ब्लॉग सुबह की शुरुआत हो चुकी है और आज है 20 मई। 20 मई के दिन कुछ होने वाला है कुछ खास, कुछ स्पेशल। और क्या खास होने वाला है सबसे पहले हम देखेंगे सुबह की शुरुआत हुई कैसे थी, कुछ स्पेशल ढंग से हुई थी, थोड़ा सस्पेंस था। देखिए मैं चुकी है, अभी तक मच्छरदानी लगी हुई है और मम्मी इसको उठाया क्यों नहीं टाइम से। अब उठ रहा है, अरे उठा दो, इतनी देर हो गई, अब उठ के बैठा है। अरे जल्दी करो जल्दी करो, फटाफट एक घंटा लगेगा। मम्मी ना आ नहीं पाती है, ये बाल कटाने करके झूठ बोलता है, रोज दिन ऐसे गुजर जा रहे हैं। देखो ऐसे मसलदानी धान के सोए रहो करके सोता है, कोई नहीं उठाएगा तो सोए भी रहता है। शायद सोने के लिए अगर ये देखिए मच्छरदानी लगी हुई है, दोपहर हुई है मच्छरदानी। यार कुछ नहीं मच्छरदानी को, बस नाश्ता से भूख लगेगी तो भूख से ही बोले खाना से बनाओ, नाश्ता से बनाओ। अरे नींद तो नहीं, मैं कह रहा हूँ मैंने फोटो खींच ली थी।
तो ये तो था सुबह की शुरुआत में क्या क्या हुआ था। तो अब हम देखते हैं कि आखिर किचन में क्या चल रहा है। किचन में चल रहा है कुछ स्पेशल, किचन में भी कुछ हमारी है आज कुछ नए ढंग की रेसिपी, कुछ अलग ही रेसिपी। अगर आप जानना चाहते हैं रेसिपी है क्या, तो जाइए आप जैगी की रसोई में। जैगी रसोई में जाके आप देख सकते हैं बड़े से बढ़िया अच्छी से अच्छी रेसिपी कि कैसे आप घर में बना सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मम्मी बना रही है कुछ स्पेशल जैगीदार कुछ नई रेसिपी। क्या कहते हैं नाम क्या इसका? चना उड़द और मसूर। गैस महंगी हो गई होगी, चलिए स्पेशल रेसिपी की तैयारी। सन काफ़ी टाइम से हैंग चल रहा है और अब यहाँ से तार लेना है, देखिए क्या होता है। तार नीचे गन्ने कह रहे ना, तार छोटा पड़ गया होगा आपका इंटरनेट की केबल। इंटरनेट की यहाँ से आप स्टे चले जाइए सीधा। कुछ नहीं, तार छोटी पड़ गई थी ना, वहां से जोड़ लेंगे आपका जो भी कर रहा होंगे। तो फिलहाल वो मैंने तो मम्मी के यहाँ चलिए आपके स्पाइसी मसाला रोटी बना रही मम्मी, चना मसाला रोटी। मेरे को तो पता भी नहीं है, इससे पहले हमने खाई थी एक साल पहले। क्यों मम्मी, एक साल पहले खाई थी ना? सर्दी में खाई थी। अच्छा सर्दी में तो बनाई थी। हाँ अरे ठीक ठीक ठीक, सॉरी शक्तिमान, सॉरी शक्तिमान, सॉरी शक्तिमान। अरे मम्मी खुद ही फूंक दे यार, मम्मी यार थूक देती है यार आज। मम्मी की जल्दी स्पेशल आपकी मसाले वाली स्पाइसी चना स्पाइसी रोटी। अगर आप जानना चाहते हैं बहुत ही बढ़िया स्पाइसी रोटी कैसे बनाई जाती है, तो आप घर में इसे बना सकते हैं। तो बनाने का तरीका क्या है, जाइए जैकी के रसोई में, वहाँ पर दे रखी है। और कंप्लीट रेसिपी देखनी है तो कंप्लीट रेसिपी आपकी दो दिन में अपलोड हो जाएगी। दो दिन में क्या पॉसिबल हुआ तो आज शाम को अपलोड हो जाएगी। देखिए भाई आपकी चना स्पाइसी रोटी तैयार हो चुकी है और बिना नहाए हम यहाँ पे खा रहे हैं, ठीक है। फिलहाल मैंने भी नहाया, इसने भी नहीं नहाया है, दोनों ने नहाया है, शायद मम्मी ने नहा रखा है। मम्मी सबसे पहले घर में नहा रही थी, ठीक है। भले 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 पानी भले पानी हो या ना हो, ठीक है, मम्मी पहले नहाती है। और मेरा तो भाई ऐसा है कभी नहाया कभी नहाया चल जाता है आपका। हाँ मेरा क्या पहले पेट, मेरा क्या पहले पेट पूजा उसके बाद सारी पूजा। पहले टेस्ट करेंगे स्पाइस चटपटी मसाला रोटी, देख सकते हो कितना मजेदार आपका देख रहे हैं यहाँ पे घी भी अच्छे से दिखा दो ऐसे हम दिखाएंगे। तो फिलहाल हमारे हाथ में बॉम्ब, अभी इस बॉम्ब को हम डालेंगे मुंह में ही फटेगा आपका। कैसा लगा इसे कहते हैं टेस्ट ऑफ इंडिया। आप भी बनाए जाएगी, देखिए सीखे जाएगी कुछ समझ आगे आप तो खाइए, आप भी देखिए सीख लेंगे तो बना लेंगे आराम से। क्यों मम्मी आसानी तो है वैसे मैं जाती मिक्स आपका डाल लो भिगो लो रात को पीस लो बन गया था रोटी। फिलहाल देखते हैं आज के ब्लॉग में नेक्स्ट क्या होने वाला। रोटी बन गई, तैयार हो गया नाश्ता है? देख भी नहीं मम्मी तुझे है। चल चलो ये बढ़िया चल। तुम ऑन में भूनो मसाला भून के फिर बनाओ। तुम ऑन में कर ले बेड़ू, तुम ऑन में कर ले बेड़ू रोटी। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे चाय भी रेडी हो चुकी है और जिसका था बेसब्री से इंतजार थी आपकी यहाँ पे मतलब भेड़वे की रोटी से मॉर्निंग में कहते हैं भेड़वे की रोटी। और अगर आप देसी स्टाइल में देखनी है कि किसको कहते हैं तो हम कहते हैं मसाला रोटी। क्या कहते हैं हमें मसूदा वाली रोटी भी कहते हैं, मसाला वाली रोटी भी कर सकते हो, बेवा रोटी भी कर सकते हो मॉर्निंग में। चलो भैया तो बढ़िया ये तो हो गया। तो यहाँ पे आपका रोटी में आपका घी लग रहा है, ठीक है, और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है आपका ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं किया गया है,
अगर मैंने यहाँ पे बताया तो आप जैके की उसमें जाकर रेसिपी नहीं सीख पाएंगे, इसलिए आपको जैके की उसी में जाना है, वहाँ पे रेसिपी सीखनी है अच्छे से, फिर जाके बनाना है, ठीक है। क्योंकि ये आपका है ब्लॉग का चैनल, ब्लॉग में आपका रेसिपी को हम ऐसे नहीं बता सकते हैं और नहीं समझा पाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो रेसिपी वाला चैनल है वो आपका जैके की उसी, वहाँ पर जाइए आराम से सीखिए, ठीक है। तो वहाँ पर कम्प्लीट रेसिपी आपको मिल जाएगी, सारी रेसिपी सीखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो मैंने तो बता नहाया है नहीं, मैं तो नहाया नहीं, सीधे पेस्ट करके आ गया। पेस्ट करने के बाद सीधे अब हम इसको पढ़ेंगे ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट में ये आपका बहुत ही कभी कभी हैवी भी करना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा लाइट में ये सही होता है, कभी कभी हैवी भी करना चाहिए। तो और काफ़ी हेल्दी फूड है, क्यों हेल्दी है ना। हाँ तो यहाँ पर आपका देखिए कितनी लग रहा है, देख सकते हैं बड़े बड़े घी लगाया जा रहा है यहाँ पर। और ये है आपकी यहाँ पे चाय रेडी है, गाय का घी है, ठीक है। और ये तैरती हुई एकदम बढ़िया सी, एकदम देख सकते हैं कितना लाजवाब होगी। तो आज काफ़ी मज़ा आ रहा है। इसी के साथ हम यहाँ पे, इसी के साथ हम करते हैं आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग ये फैमिली कब सब तो चलती रहती है और चटपटी बातें मस्ती चलती रहती है, तो इसी तरह आप एक फैमिली का पार्ट हैं, तो आप भी बने रहिए रोजाना फैमिली ब्लॉग में। और तो आप भी सीखते रहिए कैसे अच्छी अच्छी रेसिपी सिखाई जाती है वो जैकी रोजी में। बाकी आप यहाँ पे फैमिली ब्लॉग को इंजॉय करिए और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए और मज़ेदार रहिए, दमदार रहिए। और बताइए कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। और ब्लॉग में ये बताना ना भूलें कि आपको और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, मजाक ज़्यादा चाहिए, कॉमेडी ज़्यादा चाहिए, या एंटरटेनमेंट ज़्यादा चाहिए, गप्पे ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल ये यहाँ पे चलता है आपका मजाक मस्ती कॉमेडी प्लस प्लस ज्ञानवर्धक बात, ज्ञानवर्धक बात। ये तो ये दोबारा भी आपका गर्म कर दिया तूने, चलिए भैया बढ़ते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले बढ़िया से अच्छे से ब्लॉग में। बताइए कि आपको ब्लॉग कैसा लगा नीचे, और आप क्या सीखना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं और क्या इसमें चेंज चाहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग, बाय। तब तक के लिए बाय, और मिलते हैं अगले बढ़िया से अच्छे से ब्लॉग कर दो, बाय। टिंडर वाले को काम धाम तो करते हैं नहीं, नेट वेट तो आता है ही नहीं इनका, खाली पैसे लेके चले गायब हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि हम खाली बकवास सर्विस दे रहे हैं आपका। अरे कुछ नहीं, काम हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठा हुआ दे गया। हमारे हाथ में बॉम, अभी बॉम को डालेंगे, फटेगा देखिए, सीखी जाएगी तो बन जाएगी आपको फायदा। आप भी देखिए ठीक है, तो बना लेंगे आराम से, क्यों आसानी से। वैसे मैं तो मिक्स आपका डाल लो, भिगो लो रात को, पीस लो, बन गया कर रोटी। फिलहाल देखते हैं आपके ब्लॉग में नेक्स्ट पॉइंट। वो है भैया सर्विस प्रोवाइडर, बैठे हुए हैं लेकिन काम नहीं।